ध्वनिर्वर्णा पदम वाक्यमित्यास्पद चतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादि भेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है ध्वनि कार्यक्रम प्राचीन भारत में चिकित्सा शिक्षा। इस कार्यक्रम की विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सुस्मिता पांडे। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण संपादन और प्रस्तुतिकरण किया है अमर बहादुर यादव ने। तो आइए सुनते हैं ध्वनि कार्यक्रम प्राचीन भारत में चिकित्सा शिक्षा। प्राचीन भारत में केवल धार्मिक शिक्षा और दार्शनिक शिक्षा ही नहीं थी, अपितु व्यावसायिक शिक्षा भी बहुत अधिक विकसित थी। व्यावसायिक शिक्षा का यह विकास भी बहुत हद तक भारत की आर्थिक समृद्धि की ख्याति का कारण था। ऐसी शिक्षाओं में आयुर्वेद, सैनिक शिक्षा, औद्योगिक और विभिन्न कलाओं की शिक्षा आती थी। ये शिक्षाएँ तीन प्रकार के केंद्रों में होती थीं। एक, व्यक्तिगत शिक्षण केंद्र जैसे गुरुकुल होते थे। दूसरे, व्यावसायिकों की श्रेणियां होती थीं, जिनको कि हम गिल्ड्स भी कहते हैं। तीसरे, बड़े बड़े विश्वविद्यालय होते थे, जैसे तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला आदि। चिकित्सा शास्त्र को उपवेद माना जाता था। इनमें चरक संहिता और सुश्रुत संहिता बहुत प्राचीन मानी जाती हैं। ब्राह्मण परंपरा के अनुसार चरक संहिता अत्यंत प्राचीन है। इसे पतंजलि द्वारा संकलित किया गया, परंतु बौद्ध परंपरा चरक को कनिष्क के दरबार का मानती हैं और यह अधिक सही मालूम पड़ता है। बाद में कश्मीर के दृढ़ बल ने 8वीं-9वीं शताब्दी में इसका पुनः संपादन किया। इसी प्रकार सुश्रुत की परंपरा के बारे में भी बहुत विवाद है, परंतु ये भी चरक संहिता के समान बहुत प्राचीन है। सुश्रुत संहिता से ज्ञात होता है कि चिकित्सा शिक्षा के लिए भी एक विशिष्ट उपनयन आवश्यक था, जो साधारण उपनयन से भिन्न होता था। इसमें शिष्य के नैतिक और शारीरिक गुण भी देखे जाते थे। सत्य और ब्रह्मचर्य का पालन करने की प्रतिज्ञा के अतिरिक्त यह प्रतिज्ञा करनी होती थी कि वह द्विज, गुरु, अनाथ, धनहीन व्यक्ति, अनेक प्रकार के सन्यासियों, संत और अतिथियों की निःशुल्क चिकित्सा करेगा। प्रवेश के पश्चात चिकित्सा शास्त्र के ग्रंथ मौखिक रूप से पद, पाठ, श्लोकों में कंठस्थ करवाए जाते थे, परंतु सैद्धांतिक शिक्षा के अतिरिक्त व्यावहारिक शिक्षा भी आवश्यक समझी जाती थी। शास्त्र और कर्म की तुलना पक्षी के दो पंखों से की गई है। एक अच्छे वैद्य के गुणों में शास्त्र का अध्ययन, शल्य चिकित्सा में सिद्धस्थ होना, सूझबूझ, हल्के हाथ वाला, साफ और विषाद रहित, सत्य और नैतिकता का पालन करने वाला कहा गया है। उसके कार्य के लिए परिचारिका या नर्स का भी महत्व दिया गया है। और एक बहुत ही रोचक तथ्य एक और है कि कुछ प्राचीन टेराकोटा की हमको ऐसी मूर्तियां मिली हैं कि जिनमें मनुष्य के शरीर के आंतरिक भागों को दर्शाया गया है। शायद ये उनके मॉडल्स होते होंगे जिनके द्वारा उनका अध्ययन होता था। भगवान बुद्ध के काल में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक थे, जिनके जीवन और कार्यों के विषय में विनय पिटक से ज्ञात होता है। विनय पिटक एक बौद्ध ग्रंथ है। जीवक राजगृह की प्रसिद्ध गायिका शालवती के पुत्र थे, जिनको जन्म के पश्चात ही उसने कूड़े के ढेर में फेंकवा दिया था। यहाँ से अभय नामक राजकुमार ने उन्हें उठाकर आश्रय दिया। बड़े होने पर उन्होंने यह अनुभव किया कि बिना किसी हुनर जाने उनकी उन्नति संभव नहीं थी, अतः वे तक्षशिला औषधि विज्ञान पढ़ने के लिए गए।
यहाँ 7 वर्ष के अध्ययन के पश्चात उनके गुरु ने उनकी परीक्षा लेने के लिए तक्षशिला के आसपास ऐसे पौधे ढूंढने को कहा जो औषधि गुणों से युक्त न हो। जीवक ने तक्षशिला के आसपास निरीक्षण किया और अपने गुरु को ये बतलाया कि ऐसा कोई भी पौधा नहीं था जो औषधि गुणों से युक्त न था। गुरु ने उसको परीक्षा में उत्तीर्ण कर दिया। घर जाने के रास्ते में साकेत पहुंचने पर उनका सभी धन खर्च हो गया, अतः वहां उन्होंने एक श्रेष्ठी की पत्नी का उपचार किया जो 7 वर्षों से शिरोपीड़ा से विचलित थी। शुद्ध घृत में जड़ी बूटियां डालकर नाक के द्वारा एक ही बार देने से वह ठीक हो गईं। उन्होंने जीवक को 16,000 कारशापण, रथ, अश्व और 2 भृत्य भी दिए जिससे कि वह राजगृह आराम से पहुंच सके। जीवक ने सम्राट बिंबिसार के रोग को, जो कि फिस्टुला या भगंदर था, उसको एक ही बार के मलहम से ठीक कर दिया। जीवक द्वारा अत्यंत कठिन शल्य चिकित्सा द्वारा दुसाध्य रोगों को ठीक करने का हमको वर्णन मिलता है। उनसे शल्य चिकित्सा करवाने रोगी बनारस, उज्जैन आदि अनेक स्थानों से आते थे। उन्होंने उज्जैन के राजा प्रद्योत का पांडुरोग भी ठीक कर दिया था। जीवक की जीवनी से तत्कालीन चिकित्सा संबंधी अनेक तथ्य ज्ञात होते हैं, जैसे कि तक्षशिला एक बहुत प्रसिद्ध केंद्र था जहां चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन करने में 7 वर्ष लग जाते थे। साकेत, बनारस, राजगृह आदि में दुस्साध्य रोगियों को ठीक करने का पारिश्रमिक इतना अधिक था कि आधुनिक चिकित्सकों को भी इतना नहीं प्राप्त हो पाता। प्राचीन चिकित्सा शिक्षा का वर्णन प्राचीन ग्रंथ मिलिंद पहियों से भी प्राप्त होता है। इनमें कुछ प्राचीन शिक्षकों के नाम भी दिए गए हैं, जैसे नारद, धन्वंतरी, आंगिरस, कपिल, अतुल तथा पुब्ब काचायन। इसमें किसी गुरु के अंतर्गत रहकर शिक्षा का विधान दिया गया है। गुरु द्वारा छुरी का पकड़ना, काटना, घाव धोना और सुखाकर मलहम लगाने का विधान विस्तार से दिया गया है। इसी प्रकार संक्रमण या इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए जलाकर ठीक करने की तकनीक या कॉटराइजेशन भी ज्ञात थी। जातक कथाओं में भी चिकित्सा के विषय में अनेक संदर्भ आते हैं। बनारस के सर्पदंश ठीक करने वाले विशेषज्ञों का भी वर्णन है जो या तो स्वयं विष प्रतिकारक द्वारा इसे ठीक करते थे या फिर सर्प पकड़कर उससे विष चुसवा कर ठीक कर देते थे। बाद में बौद्ध विश्वविद्यालयों में प्रमुख 5 विद्याओं जैसे व्याकरण, शिल्पस्थान विद्या, हेतु विद्या और आध्यात्मिक विद्या के साथ साथ चिकित्सा विद्या भी आवश्यक मानी गई। इन विद्यालयों में प्रवेश बहुत ही कठिन था। प्रवेश के समय विश्वविद्यालय की प्रवेश समिति के सदस्य उनकी परीक्षा लेते थे। इन सदस्यों को द्वार पंडित कहा जाता था। गुप्त काल में चिकित्सा शास्त्र संबंधी बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए। वाग्भट प्रथम ने अष्टांग संग्रह की रचना की जिसमें चरक संहिता और सुश्रुत संहिता का निचोड़ था। इसी प्रकार नवनीतकम नामक ग्रंथ में भेल संहिता, सुश्रुत संहिता और चरक संहिता तीनों का संकलन था। इन सभी ग्रंथों में पोषण और आहार विज्ञान का भी बहुत विस्तार से ज्ञान है। और आपको ये बात बहुत ही रोचक लगेगी कि हमारे पुराणों में भी इनके अनेक अध्याय जोड़ दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि पुराणों का प्रवचन आम जनता के आगे दिया जाता था, उनका पाठ किया जाता था, और इससे ये फायदा था कि आम जनता को भी डाइटेटिक्स के बारे में, आहार विज्ञान के बारे में, पोषण के बारे में ज्ञान हो जाता था। तो धार्मिक प्रवचन सुनते सुनते इनका भी ज्ञान हो जाता था। तभी तो जो हमारे परिवार के जो वृद्ध सज्जन आदि हैं, या परिवार के पुराने लोग हैं, उनको एक ट्रेडिशन से इन सब चीज़ों का, घरेलू उपचारों का ज्ञान है। तो आपको ये बात भी बहुत रोचक लगेगी कि पशु चिकित्सा विज्ञान पर भी अनेक कृतियां लिखी गईं और इनका भी संकलन पुराणों में भी हुआ है। भारतीय चिकित्सा विषय ज्ञान का प्रसार पश्चिम एशिया में भी हुआ। 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री एक ऐसे ग्रंथ का वर्णन करते हैं जिससे
आठ भाग चिकित्सा शास्त्र के आठ पक्षों के विषय में थे, जैसे फोड़े फुंसी, ग्रीवा के ऊपर के रोग, ग्रीवा के नीचे के रोग, प्रेत बाधा के रोग, विष प्रतिकारक औषधियाँ, बच्चों के रोग, आयुर्वृद्धि के उपाय, हाथ पैर में शक्ति लाने के तरीके। तो जितनी भी आधुनिक चिकित्सा की विधाएं थीं, वो सब प्राचीन काल में थीं। ई चिंग के अनुसार सभी बौद्ध भिक्षुओं के लिए चिकित्सा शास्त्र पढ़ना आवश्यक था। वह प्रमुख भारतीय जड़ी बूटियों के साथ साथ चाय का भी नाम लेता है और प्याज का प्रयोग केवल बीमारी में ही बतलाता है। तो आपने देखा कि प्राचीन भारत में वे सभी विधाएं थीं जो आधुनिक चिकित्सा शास्त्र के अंतर्गत आती हैं, और उनको लोकप्रिय करने के भी तरीके थे और उसमें विशेषज्ञ भी थे। अभी आप सुन रहे थे ध्वनि कार्यक्रम प्राचीन भारत में चिकित्सा शिक्षा। विषय विशेषज्ञ और वार्ताकार थीं डॉक्टर सुस्मिता पांडे। उद्घोषक थे कौशल शर्मा। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा प्रस्तुत किया गया।